हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड के चैप्टर नंबर 1 में हमने रेगुलर फ्रीक्वेंसी मेथड तक कर लिया था। इसके पहले वाले वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं और चैप्टर 2 की भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी न्यूमेरिकल मेथड का, जहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे BA BSc के लिए वीडियोस मिलती हैं। ओके, सो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड का करते हैं पहले। ये आप अभी आया हुआ है, बाकी मेनली तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ही पूछते हैं, बट अगर न्यूटन रैप्सन मेथड भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन करो न्यूटन रैप्सन मेथड को, जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज में दे रखा था ना, एक्सप्लेन करो रेगुलर फ्रीक्वेंसी मेथड। अगर ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन न्यूटन रैप्सन मेथड, तो आपको ये वाला आर्टिकल करना होता है। अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का आएगा तो फिर हम जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अभी करेंगे वो करना है आपको, ठीक है। देखो, लेट एक्स नॉट बी एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ रूट ऑफ इक्वेशन fx = 0। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x में, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। इसका जो रूट है ना, अप्रॉक्सीमेट रूट हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, एक्स नॉट। और इसका जो ओरिजिनल रूट है ना, इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस एच है। किसी भी इक्वेशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो है x0 + h, और जो हमारी आ रही है, मतलब हमने जो अप्रॉक्सीमेट रूट माना है वो है कितना, एक्स नॉट। यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ कि आनी कितनी चाहिए थी x0 + h और आई कितनी, एक्स नॉट, तो कितना आएगा, सिर्फ h। तो यहाँ पे हमारे पास जो h है वो बहुत ही एक स्मॉल क्वान्टिटी है, इतनी स्मॉल है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x के जगह x0 + h भी पुट करती हूँ तो अभी वो equals to 0 ही रहता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस f(x0 + h) पे क्या लगा दो, टेलर्स थ्योरम, जो कि हमने पहले भी लगाई थी। तो देखो, x नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस क्या होगा, f'(x0) होगा और साथ में h/1 होगा। देन सेकेंड टर्म में क्या होगा, f" हो जाएगा x नॉट पे और साथ में h²/2 हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा और = 0। अब क्योंकि h एक बहुत स्मॉल नंबर है, तो उस स्मॉल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी स्मॉल होगा, और क्यूब करेंगे तो वो और भी स्मॉल होगा। तो यहाँ से स्क्वायर और क्यूब वाली आगे की हायर टर्म्स हमने सारी नेगलेक्ट कर दी, सिर्फ इन दो टर्म्स को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो क्या बचेगा, सिर्फ f(x0 + h)(f'x0) = 0। और यहाँ पर क्या किया हमने, वी गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ h, हमें कोई h की वैल्यू मिलेगी, उसका नाम हमने h1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से h1 की वैल्यू को निकालो तो क्या आएगा, -f(x0) / f'(x0) ही आएगा, नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, साथ में रख देना, ठीक है। अब देखो क्या करें, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, इससे हमें कोई ना कोई क्या मिलेगी, h, हमने h को h1 से रिप्लेस किया, इसका मतलब हमें इससे कोई ना कोई h की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं x0 के अंदर इस h को, यानी कि h1 को ऐड कर दूँ तो मुझे एक नया रूट मिल जाएगा, दैट इज़ x1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x1 इसके इक्वल होगा x0 के अंदर, मैं अगर इस वाली वैल्यू को ऐड कर दूँ तो x0 तो एज इज रहेगा, इसके अंदर इस वाली वैल्यू को ऐड करोगे तो ये आएगा। अब ये x1 आ गया, अगर मैं क्या करूँ, मुझे h1 तो आ गया, अब मुझे अगर h2 निकालना है तो h2 क्या होगा, हमारे पास रूट क्या आया है, देखो हमने x1 निकालना था तो h1 के अंदर x0 को ऐड किया था ना। अब अगर मेरे को x2 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, h2 के अंदर x1 को ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो h2 निकालने पहले उसके लिए h1 ये था, h2 क्या हो जाएगा, -f(x1) / f'(x1) यही होगा ना। देखो हमने h को पहले h1 से रिप्लेस कर दिया, अगर मैं यहाँ पे इस h को h2 से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे h2 आ जाएगा, यहाँ पे ये h1 के लिए था, फिर किसके लिए हो जाएगा, h2 के लिए। जब h1 था तो f(x0) था, नीचे उसका डेरिवेटिव था, अगर h2 हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, नाउ वी गेट नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग x1 एंड प्लेस ऑफ x0 into। अब हमें दूसरे अप्रॉक्सीमेशन का मिलेगी जब हम x1 के जगह क्या यूज़ करेंगे, x0 किस इक्वेशन में, इसमें, तो इस वाली इक्वेशन को रिप्लेस कर देंगे ना, h1 था तो x0 था, h2 हो जाएगा तो x1 हो जाएगा, h3 हो जाएगा तो x2 हो जाएगा, ऐसे चलती रहेंगी। तो h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -f(x1) / f'(x1) क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब h2 कैसे निकालेंगे, x1 के अंदर अगर मैं h2 को ऐड कर दूं तो x1 के अंदर अगर मेरे को h2 को ऐड करना है तो x1 तो एज इट इज़ रहेगा, h2 की वैल्यू नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, ये आ गया। अब h3 क्या आएगा, h3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो h3 अगर निकालना हो तो क्या आएगा, -f(x
2 डिवाइडेड बाय f डैश एट x2, यही आएगा। फिर h3 तो ये आ गया, अब x3 कैसे आएगा, h x3 आएगा h3 के अंदर, ऐड कर दो किसको, x2 को, तो x3 क्या बन जाएगा, x2 तो एज इट इज रहेगा, h3 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2, ये मैंने डैश लगाना भूल गई, समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया, h3 की वैल्यू तो यहाँ से निकाल दी, और x1 कैसे निकल रहा था, जो पहले वाला अप्रोक्सीमेशन था x0 उसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर दी, x2 कैसे निकाला, x1 के अंदर h2 को ऐड कर दिया, तो x3 कैसे निकालेंगे, h3 के अंदर x2 को ऐड कर देंगे, तो ऐसे निकाल दिया। तो ध्यान से देखो, x1 है, 1 है, तो यहाँ 1 है तो 0 आ रहा है, और यहाँ माइनस में क्या है, इस पर फंक्शन वैल्यू और नीचे उसका डेरीवेटिव, यही है। x2 है तो इससे एक कम, यानी कि x1, उसमें से क्या माइनस कर दिया, इस पर फंक्शन वैल्यू डिवाइड बाय उसका डेरीवेटिव। x3 है तो क्या कर दिया, एक माइनस टू माइनस फंक्शन वैल्यू एट दिस डिवाइड बाय इसका ऑर्डर, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर n के लिए हो तो क्या होगा, xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ n माइनस वन माइनस फंक्शन एट x ऑफ n माइनस वन डिवाइड बाय उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम इसका इटरेटिव फॉर्मूला बनाएं तो वो क्या बनेगा, x ऑफ i प्लस वन इज इक्वल्स टू x ऑफ i माइनस एफ एक्स आई डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखा सकता है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना। अब आता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस करके दिखाओ, तो आपको ये टॉपिक करके दिखाना होगा, क्लियर है। तो देखो, ये हमने पहले भी किया था ना, उसी तरह से करना सेम। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन थी, हमने मान लिया कि अल्फा इसका क्या है, रूट है, एंड ई आई इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी बाई विच एक्स आई डिफरेंस फ्रॉम अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा इसका रूट है, और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है कि ई आई एक स्मॉल क्वान्टिटी है बाई विच एक्स आई डिफर्स फ्रॉम अल्फ़ा, कि अगर हम एक्स आई में से माइनस कर दें स्मॉल क्वान्टिटी को, तो वो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, स्मॉल क्वान्टिटी को, स्मॉल क्वान्टिटी क्या है, ये अल्फ़ा है, वो इसकी इक्वल आएगा, कि ई आई एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि एक्स आई में से अगर हम अल्फ़ा को माइनस कर दें तो वो ई आई के इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो एक्स आई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ई आई, अगर आई की जगह आई प्लस वन हो जाए तो एक्स ऑफ आई प्लस वन हो जाएगा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में भी आई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, आई प्लस वन हो जाएगा, यही होगा ना। आई को अगर आई प्लस वन से रिप्लेस कर दो तो ये वैल्यू आएगी, आई को अगर आई प्लस टू से रिप्लेस कर दो तो ये वैल्यू आएगी। अब हमने इसको इससे रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि जो न्यूटन रैप्सन मेथड का भी हमने फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, ये निकाला है ना, एक्स ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स आई माइनस दिस, ये निकाला है। अब इसके अंदर क्योंकि हमें वैल्यूज़ को पुट करना था, इसलिए हमने ये चीज़ निकाली। यहाँ पे क्या है, x ऑफ i प्लस वन, तो x ऑफ i प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से e ऑफ i प्लस वन प्लस अल्फ़ा, ये आएगी ना, यहाँ पे पुट कर दी e ऑफ i प्लस वन प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से e ऑफ i प्लस अल्फ़ा, यही आएगी, माइनस f ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, ई आई प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, ई आई प्लस अल्फ़ा, तो ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। एक्स आई इन दोनों की वैल्यूज का यूज़ करके इसमें पुट कर दिया, कुछ भी नहीं करा, तो यहाँ पे ई ऑफ आई प्लस वन एज इज रहेगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड है, और ये वाली टर्म आ जाएगी, ये कैंसिल होगी, सिर्फ ये बच गया हमारे पास। अब क्या करो, इसको और इसको एक्सपेंड कर दो बाय टेलर्स थ्योरम, तो ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, इस पर टेलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ डैश अल्फ़ा इंटू ई आई का स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा इंटू ई आई का क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। अब सो लाइज दिस चलता रहेगा, नीचे क्या आएगा, एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई है तो क्या आएगा, एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस ई आई, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास, तो नीचे ये टर्म बन जाएगी। तो क्या करो, देखो ये टर्म तो एज इट इज़ है, इस वाली टर्म में से ई आई को कॉमन ले लो, ऊपर ई आई आ जाएगा, ये एफ ऑफ अल्फ़ा क्योंकि अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है, तो फंक्शन के अंदर अगर मैं अल्फ़ा को पुट करूँगी तो वो जीरो बनेगा, तो एफ ऑफ अल्फ़ा तो जीरो बन जाएगा, इसको तो भूल जाओ। ई आई को कॉमन लो, ई आई बाहर आ जाएगा, अंदर ये टर्म बचेगी, ई आई यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ई आई स्क्वायर में से ई आई बचेगा, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी, बाकी टर्म एज इट इज़, ठीक है। एफ ऑफ अल्फ़ा क्या बन गया, जीरो, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़। अब क्योंकि ई आई एक इतनी स्मॉल अप्रोक्सीमेशन थी कि अगर मैं एक्स आई में से अल्फ़ा को माइनस कर रही थी तो वो ई आई की इक्वल आ रहा था, यानी कि ई आई एक बहुत छोटा नंबर है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगी उसका क्यूब करूँगी तो वो भी छोटा ही आएगा, तो इस वाले स्क्वायर को और क्यूब को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि ई आई स्मॉल है तो हम उसकी हायर पावर्स हमने यहाँ से नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि ई आई हमारा स्मॉल एरर है, अगर हम उसका क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक स्मॉल क्वान्टिटी आएगा, तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये टर्म बची हमारे पास, देखो
ये वाले नेगलेक्ट कर दी, ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स। अब इसको सॉल्व किया हुआ है बाय यूजिंग एलसीएम, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे किया हुआ है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या है, नीचे वाली टर्म हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा, यही आएगा ना। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ई आई की मल्टीप्लाई होगी एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई इंटू एफ डैश डबल डैश अल्फ़ा के साथ, माइनस ई आई इस टर्म पूरी टर्म के बाहर है, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाली टर्म बचेगी एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई अपॉन टू एफ डबल डैश अल्फ़ा, जस्ट टर्मिनेट, ये टर्म बचेगी हमारे पास, ठीक है। ये ऐसी है, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ई आई एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई इंटू ई आई इज ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस ई आई एफ डैश अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस ई आई इंटू ई आई इज ई आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू एफ डबल डैश अल्फ़ा। और नीचे क्या टर्म है, नीचे है एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा, तो ये दोनों टर्म सेम है विद अपोजिट साइन तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचा हमारे पास ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस ई आई स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश अल्फ़ा, और नीचे बचा एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा। ऊपर वाली टर्म को अगर मैं एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो टू एलसीएम आएगा, टू ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा बचेगा, तो टू में से वन माइनस करेंगे तो वन बचेगा, तो क्या बचेगा ई आई स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा, और ये वाला टू नीचे आ जाएगा, तो टू ऑफ एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई आई एफ डबल डैश अल्फ़ा। सो ये यहाँ पे किया हुआ है सोल्व इस तरह से, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, अब ई आई स्क्वायर बाई टू को तो अलग रख लिया और एफ डबल डैश अल्फ़ा बाई ये वाली टर्म्स अलग रख ली। इस वाली टर्म में से नीचे वाली में से एफ डैश अल्फ़ा को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस ई आई बचेगा, और एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइड हो जाएगा एफ डैश अल्फ़ा से, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये भी एज इट इज़ रहेगा, टू इंटू एफ डबल, ये भी एज इट इज़ रहा। हमने क्या किया, हम इसको ऊपर ले गए, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वन प्लस ई आई इंटू दिस और इसकी पावर माइनस वन, तो ये पावर माइनस वन हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म बचेगी। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब करेंगे तो वन प्लस इंटू दिस बनेगा, तो ई आई क्यूब को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टर्म सिर्फ क्या बचेगी, एक तो ये बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। ऐसे बाइनोमियल लगा के वो टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। अब ये आ गया, अब इसको क्या करो, ये जो एफ डबल डैश अल्फ़ा है ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी, टू भी एक वैल्यू है और हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी एक वैल्यू आएगा, तो इसको हमने मान लिया किसके इक्वल, के इक्वल मान लिया, तो हमने इस वाली वैल्यू को, ये देखो इस वाली वैल्यू को के इक्वल मान लिया वेयर के इज़ फाइनाइट। तो ई आई ये क्या था, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम इतनी देर से, ई आई प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे थे, किसकी इक्वल आ गई, के इंटू ई आई स्क्वायर के, इस वाली वैल्यू को हमने के इक्वल मान लिया, तो ई आई प्लस वन डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर किसके इक्वल आ गए, के। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है न्यूटन रैप्सन मेथड का वो क्या है, टू। उसके बाद ये टेबल दे रखी है जिसमें सभी मेथड्स के फॉर्मूले और सबके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दे रखे हैं, जो कि आप पढ़ लेना। तो इसी के साथ हमारा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है कम्प्लीट, देन इसके एग्जाम्पल्स हैं और कुछ पाँच चार फॉर्मूले हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।